हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देख सकते हो मेरे किचन में सुबह सुबह ये धूप आ रही होती है। और सुबह सुबह मतलब कि अभी 9 बज रहे हैं शायद, और 9 बजे ये धूप आ रही होती है। और चाय बनाने का ना मज़ा डबल हो जाता है जब आप धूप में खड़े खड़े बनाते हो, तो 2 मिनट लगते हैं कि चलो ठीक है, खड़े रहो खड़े रहो। सुबह सुबह यहाँ से धूप लेना भी अच्छा है। आप देख सकते हो इतनी धूप आ रही है, मतलब मेरी आँखें नहीं खुलती है धूप में। और यहाँ पर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। चाय मतलब कि सुबह सुबह मैं एकदम काली चाय नहीं लेती, मैं हल्की सी चाय पत्ती डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं ऐसे एडिक्टेड नहीं हूँ चाय के कि मुझे चाय चाहिए वरना मेरा सर दुखता है, वरना मेरा ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं है। बट ये जब से मैं प्रेगनेंट हुई तब से मुझे चाय चाहिए, मुझे अच्छा लगता है ये फ्लेवर थोड़ा सा। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के हल्का सा एक फ्लेवर देती हूँ और फिर चाय पीती हूँ। और पिछले कुछ टाइम से मेरे को जुकाम भी लग रखी थी, तो मैं उसमें अदरक भी यूज़ कर रही थी, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल अदरक यूज़ कर रही थी ताकि मेरा गला जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहे। और बस इसी तरह से हुई है मेरे दिन की शुरुआत। आगे आगे देखिए कैसा रहता है दिन। होती है मेरे दिन की शुरुआत, सबसे पहले एक गैस की दवाई लेनी पड़ती है। मुझे उठते ही अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला काम है गैस की दवाई लो, थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ, फिर ये हमारी चाय। यहाँ पे मेरी तो चाय रेडी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक की सब्जी मेरे लिए। मैंने ले लिया पालक, इसको धो लिया 2-3 बार अच्छे से और फिर पानी में रखा हुआ। टमाटर मिर्ची मैंने एक साथ ही काट लिया, अलग अलग नहीं की है, मिर्ची भी थोड़ी भुन जाएगी। और यहाँ पे ले लिया प्याज मोटे मोटे से। सिर्फ मेरे लिए बना रही हूँ, थोड़ी सी हेल्दी वे में बना रही हूँ ताकि थोड़ी सी यू नो हेल्दी खाई जा सके मुझसे। मुझे अभी बहुत ज़्यादा चटपटा या बहुत ज़्यादा मीठा पसंद ही नहीं है, दोनों ही नहीं पसंद है मुझे। थोड़ा बहुत नॉर्मल नॉर्मल सा खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। राई जीरा डालने के बाद में मैं डालूँगी हींग। बस मैं डालूँगी मैंने टमाटर पहले से डाला है कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए टमाटर। इसमें मैं डालूंगी नमक ताकि जो टमाटर है हमारे थोड़े से जल्दी पक जाए। तो 1 मिनट हो गया, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। प्याज को भी डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। मसालों में मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, नॉर्मल नॉर्मल मसाले डालूंगी, बस इतनी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया। धनिया वैसे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो आप खा सकते हो अगर आपको भाता ज़्यादा, तो थोड़ी सी हल्दी कर लूँगी। बहुत ही सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ मैं, जिससे कि ये थोड़ी सी हेल्दी रहे मेरे लिए, ज़्यादा कुछ मसाले वसाले ना हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है। तो प्याज हमारे थोड़े से देख सकते हो आप पक गए हैं। अब मैं इस टाइम से इसमें डाल दूँगी पालक, जो कि मैंने पानी में डाल के रखा हुआ था। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, आप अपने टेस्ट के कम डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें और डालूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी। देख सकते हो कितनी कलरफुल सब्जी हुई है। 2 मिनट के लिए और रख के छोड़ देंगे।
दो मिनट बाद ये कुछ इस तरीके की है। थोड़ा सा ये टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी मैं इसको, फिर जो है मेरी सब्जी बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैं मेरी प्लेट दिखा देती हूँ आपको, मैंने क्या सब्जी बनाई है, मैंने आपको दिखाया है मैंने कैसे बनाई है। काफ़ी लोगों के लिए बहुत बोरिंग सब्जी होगी कि बहुत बोरिंग है, बट न्यूट्रिशन से भरपूर है ये सब्जी। एक टाइम मैं ऐसी सब्जी ज़रूर खाती हूँ, ग्रीन हो, जो प्रॉपर बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि मसालेदार ना हो, तो ज़्यादा अच्छी हेल्दी रहेगी। यहाँ पे मेरा सैलड और मेरे रोटी, और अगर आपको थोड़ा सा तीखा खाने का मन हो तो आप एक ग्रीन मिर्ची ले सकते हो साथ में, है लेमन। ये है मेरा आज का मील और बस। तो खाना खा के हम लोग आए थे वॉक करने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है। चेतन तो पहले से मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने थोड़ा सा बोला कि नहीं, थोड़ा सा नीचे जाके आते हैं, बट यहाँ पे हो रही है बारिश, की वजह से हम लोग नहीं जा पाएंगे। और ठंड में बारिश हो रही है यार, अब तो कल जो हालत होने वाली है ना, पूछो ही मत भाई साहब। हमने आखिरकार मुंह की खा के बाहर से वापस आए हैं, और जैसे कि आपको पता है बाहर बारिश हो रही है आज, तो हम कहीं जा नहीं पाए और वापस आ गए। और वापस आते ही मोनिका अपनी एज यूजुअल डायरी लेके बैठ गई, इसमें ये छोटे छोटे कुछ ना कुछ लिखती रहती है, इसको एक्चुअल में लिखना पसंद है। मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, सबसे अच्छा मेरे को टाइम पास यही लगता है। एक्चुअल में कुछ लिखती हुई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अपना दिन का कुछ लिखे, इसको छोटी छोटी स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। और जैसे सुदामा और कृष्ण के बीच में क्या संवाद हुआ वो लिखना पसंद है, तो वो सब लिखती रहती है। मैंने सुदामा की अभी कहानी लिखी है, अगर आप लोग को सुननी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक व्लॉग में तो सिर्फ कहानी हो पाएगी उनसे। मैं कहता हूँ एक बार सुनना, बहुत अच्छा, मतलब एक नए पर्सपेक्टिव से उस चीज को बताएगी। बाकी बहुत अच्छा लिखा था, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, बट स्टिल मैं कोई बहुत अच्छा रीडर हूँ नहीं, तो पढ़ नहीं पाया पेशेंस के साथ, पर काफी लंबी और काफी अच्छी स्टोरी थी वो। एंड छोटा मोटा कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ मैं। आपको एक छोटा सा सुनाऊं? हाँ सुनाइए ना, क्या सुना रहे हो? सिर्फ दो लाइनें सुना दीजिए हमारे व्यूवर्स को, अगर उनको अच्छा लगा तो वो आपको बोलेंगे कमेंट्स में। तो मैंने ये गांव के बारे में लिखा है, क्योंकि मैं गांव में रह चुकी हूँ, तो मैंने लिखा है कि गांव से दूर हुई तब गांव की अहमियत समझ आई, आज शहर के शोर शराबों में गांव की खूबसूरत सी सुबह और शांति भरी शाम याद आती है। सुबह उठते ही चिड़ियों का चहचहाना, हर राह जाते का आपसे बतलाना, बड़ा अपनापन सा लगता था जब कई दिनों बाद शहर से गांव जाती थी, और वही दिल भर आता था जब गांव से लौटकर आती थी, वही वापस रोना आता था। क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छा लिखा है एक्चुअली। थैंक यू, अभी लिख रही थी, ऑनगोइंग था, बट ठीक है। तो आपको अगर ये पसंद आया तो प्लीज बताना, ताकि मोनिका आपको आगे भी सुनाए। एंड इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडे। और आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगता है, हमारे चैनल में हम जो कंटेंट डालते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अब तक जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत सारा बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।